तो जैसा कि हमने देखा, स्क्वायर के इतने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ थे जो सिमेट्री रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मैंने जैसे कि आपको कहा था, ये एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सिंबल्स हैं, टोटल यहाँ पे 8 डिफरेंट सिंबल्स हैं। तो हमें क्या करना है, इन 8 डिफरेंट सिंबल्स को हमें रिप्लेस करके टोटल 2 सिंबल्स लाने हैं। इसलिए हम यहाँ पे 2 सिंबल्स डिफाइन कैसे करेंगे। किया? इसको शॉर्टकट तरीका लिखने का तरीका है, मैं आर को बोल रहा हूँ रोटेशन और एफ को बोल रहा हूँ फ्लिप। ठीक है, उसी तरह आर मेरा एक्स डिनोट करेगा और एफ हमारा वाई डिनोट करेगा। ठीक है, तो R0 मतलब आइडेंटिटी, जिसको मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ। R 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ मतलब क्या, रोटेशन चल रहा है, तो 90 डिग्री रोटेशन को मैं आर बोल रहा हूँ। 2 बार रोटेशन किया इसलिए 180 डिग्री बना, तो आर स्क्वायर। 3 बार रोटेशन किया इसलिए आर क्यूब, और 4 बार रोटेशन करता तो अगेन मुझे 1 मिल जाता। नोट कीजिए कीजिए, यहाँ पे 4 बार रोटेशन करता तो 1 मिल जाता, क्योंकि 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता। तो ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया। हाँ, और मैंने बोला है एफ, एफ मतलब मेरा फ्लिप, ये हमारे पास स्क्वायर है, मैं इसको फ्लिप कर दूंगा तो ये हमारा एफ फ्लिप हो जाएगा। तो फ्लिप किसकी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 3 2 1, और हिसाब से देखा जाए 4 3 2 1 कौन है, 4 3 2 1 हॉरिजॉन्टल फ्लिप, तो मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लिप यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे आर इंटू एफ। ठीक है, आर इंटू एफ मतलब क्या, पहले हमें करना पड़ेगा फ्लिप, फिर उसके बाद रोटेशन, तो ये हमारे पास है, इसको करेंगे फ्लिप उसके बाद रोटेशन 90 डिग्री। तो 3 2 1 4, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 2 1 4, डी डैश मतलब डायगनल वाला, ये टर्म भी आ गया। उसके बाद आर स्क्वायर एफ, आर क्यूब एफ, सारे टर्म्स आ जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, आर आर स्क्वायर आर क्यूब एफ, आर एफ आर स्क्वायर एफ आर क्यूब एफ, ये बन गया हमारा सबसे अच्छा दिखने में और सबसे कम सिम्बॉल्स में। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि अगर हमारे पास स्क्वायर है तो उसके पास जो ग्रुप बनेगा वो विद सिम्बॉल्स, वो हमारा अच्छे से बनेगा, वो आर आर स्क्वायर आर क्यूब एफ आर एफ आर स्क्वायर एफ आर क्यूब एफ, टोटल 8 है। ये हमारा हो गया सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर, जिसके पास जो रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप। ये सब का मतलब मैंने बता चुका हूँ क्या है, आर मतलब रोटेशन, एफ मतलब फ्लिप, ये कैसे आया सबका मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और नोटिस करने वाली बात मैंने कही थी, आर एस टू फोर हो जाए 1, उसी तरह आर एस टू फोर इज 1 विच इज सेम एज एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर मतलब फ्लिप का फ्लिप, ऑब्वियसली फ्लिप का फ्लिप मतलब आइडेंटिटी, मतलब वही स्क्वायर मिलना चाहिए। ये हमारे पास स्क्वायर है, फ्लिप का फ्लिप, अगेन दिस दैट इज 1, कॉमन सेंस। ये नोटेशन करने की बात है। अगर इन जनरल मैं आपको एन पेंटागॉन दे दूँ, कुछ भी ऐसे दे दूँ जिसको हम डी एन से डिनोट करेंगे, डी एन से डिनोट करेंगे, तो ये भी एक ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा, और उसका जो जो एलिमेंट्स दिखेंगे वो ऐसे दिखेंगे, 1 आर आर स्क्वायर आर क्यूब डॉट 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 आर रेस टू एन माइनस 1, क्योंकि यहाँ 4 थे, यहाँ पे 3 आया, फिर आया एफ आर स्क्वायर एफ आर क्यूब एफ डॉट 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 आर रेस टू एन माइनस 1 एफ, ये रिप्रेजेंट करेगा, वेयर आर रेस टू एन 4 थे इसलिए, तो यहाँ पे एन है तो इसलिए आर रेस टू एन इज 1 एफ स्क्वायर, मतलब ये फ्लिप का फ्लिप, अगेन एफ स्क्वायर। और नोट करने वाली बात ये है, आर रेस टू आई एफ इज सेम एज एफ आर रेस टू माइनस आई, ये कर देना आपको। अगर आर रेस टू आई एफ है इज सेम एज एफ रेस टू आर, मतलब आर का क्या करना है, इन दोनों की पोजीशन चेंज इंटरचेंज कर देनी है और आई की पावर माइनस आई कर देनी है। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंट करता है जनरल ग्रुप, जिसका नाम बहुत ही अच्छा है और इसको हम कहते हैं डायहेड्रल ग्रुप्स कहेंगे इसको हम। ठीक है, ये हमारा जनरल